बाकी गाड़ियों को फिर उसके बाद फर्दर पुश करते हो तो वो कराहती हैं आगे बढ़ने के लिए। बट मेरा बच्चा जिन खिलौनों से खेलता है उस प्लास्टिक की क्वालिटी तो गाड़ी के अंदर लगी हुई है। जो एंथुजियास्ट नहीं है वो भी एंथुजियास्ट बन जाते हैं। रवि आई एम सॉरी, मैं आपको करेक्ट करूंगा, कुत्ते बिल्ली को भी आप एसयूवी का टैग दे दो तो लोग उसको खरीदेंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, बट माइक्रो एसयूवी, मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, एक्चुअल एसयूवी, नॉट अ 4x4 एसयूवी, ये तो मजाक हो रहा है ना हमारे इस मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ, इनफैक्ट दो गाड़ियाँ मैं लेकर आया हूँ। एक मेरी खुद की है, हाल फिलहाल में ली है, शायद आपको पता होगा। अब बात यह है कि वो गाड़ी इंडिया में नई नहीं मिलेगी, आपको यूज कार के तौर पे लेनी पड़ेगी। ये है मेरी फोर्ड फ्री स्टाइल, ये है अभिषेक जी की फोर्ड फ्री स्टाइल। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू। और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अभी तक का एक्सपीरियंस, लेकिन मैं आपको पहले हिंट दे दूं, अभिषेक जी गाड़ी अभी तलाश रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं इस गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में। अब मैंने तो शौकिया तौर पर रखी है और मुझे मजा आ रहा है और मैं इसको डेली यूज करता हूं। आपको पता है कि हमारी ट्रैकिंग कार पहले रिड्ज हुआ करती थी, उसको मैंने रिप्लेस कराया इस गाड़ी से। तो अभिषेक जी एक बात बताइए मुझे, फोर्ड फ्री स्टाइल डीजल में ऐसा क्या था जो आपने इसको चूज किया? 2020 मॉडल है ये इनका। पॉकेट में रॉकेट। अच्छा, वो जवाब है मेरा। कोई इस सेगमेंट में और इस तरह के जिस अमाउंट में आप इस गाड़ी को ऑन रोड लेके आते हो, कोई इस सेगमेंट में ऑफर ही नहीं कर सकता। सही बात। आज की यू नो मार्केटिंग गिमिक वर्ल्ड में जहां आपको दुनिया भर के वेरिएंट्स समझाए जाएंगे, टर्बो इंजन से लेके हर चीज की प्रोफिशिएंसी समझाई जाएगी, ये एक ऐसी गाड़ी है, इट ऑफर्स यू एवरीथिंग। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको एक सेकंड की भी कमी खलेगी। अच्छा। और इस गाड़ी को जब मैंने खरीदा था, इसमें पेन ड्राइव, हवा और फ्यूल के अलावा कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है। इससे पहले कौन सी गाड़ी आप? इससे पहले मैं i10 चलाता था, i10 स्पोर्ट्स। जब मैं i10 चलाता था और मैं i10 छोड़ रहा था तो मुझे लगता था कि जो Hyundai की ओवरऑल पैकेजिंग है और स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, कंफर्ट, क्वालिटी, क्या वो कोई और मैच कर पाएगा। मैं फोर्ड पे आया, 1.5 महीने लगे मेरे को क्योंकि थोड़ी सी ये रग्ड गाड़ी है। हाँ। लेकिन जब आप एक बार फोर्ड चलाने लग जाते हो तो आपको फर्क आता है कि जब आप पहली बार जहाज में बैठते हो तो आपके यहाँ पे तितलियां उड़ रही होती हैं, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। एग्जैक्टली। एंड जब वो उसके बाद अब आप पहली बार आप ये सोचो कि आपको रॉकेट में बैठने का मौका मिल जाए, ये फर्क है इस i10 से और इस फ्री स्टाइल। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए, 30,000 किलोमीटर के आसपास आपकी चल चुकी है, 32 के आसपास चली हुई है, कोई इशू क्वालिटी से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड, गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर कोई प्रॉब्लम? कोई नेगेटिव तो मेरे साथ रहा नहीं, यू नो फिंगर्स क्रॉस। बहुत सा मिथ है इसकी सर्विस को लेके। मैं आपको बता रहा हूँ, जब से फोर्ड गई तब से मेरी 2 सर्विसेज हो चुकी हैं। अच्छा। एंड आई विल टेल यू, कोई ऐसी कंपनी नहीं है अभी भी इंडिया में, अंटिल ये आप बहुत यू नो प्रीमियम क्लास की बात करो, फोर्ड में अगर आप एक छोटी सी चीज से भी डिससैटिस्फाइड हो और अगर आपने डायरेक्टली फोर्ड को रीच आउट कर दिया है, दे विल कम एट योर होम, वो आपके घर आएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अच्छा। आप सर्विस सेंटर में भी जाओगे तो पहली चीज है फॉल्स बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मेरे फ्रेंड ने नेक्सॉन की सर्विसिंग कराई। फॉल्स बिलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब गलत बिल कर रहे, गलत बिल इन द सेंस जो चीजें जरूरी नहीं है उनको एड ऑन कर दिया गया और आपका बिल ऑलमोस्ट 3,000-3,000 रुपए एक्स्ट्रा है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे 3,000-4,000 एक्स्ट्रा है। फ्री स्टाइल में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी 30,000 वाली सर्विसिंग कराई है एंड आई थिंक 5,000 के अंदर वो करके दिया उन्होंने। एंड उसमें जहां पे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ है कि फोर्ड क्या सर्विस करेगा, फोर्ड की सर्विस जाने के बाद भी बाकी लोग जो एग्जिस्ट करते हैं उनसे एट पार है, बहुत ही अच्छी है। ये बात बिल्कुल सही कही। इसका मैंने जो सर्विस बिल है वो देखा था, 4,000, 4,500, 5,000 इस टाइप का था। फोर्ड चली गई है तो सर्विस सेंटर के पास मौका है, क्योंकि फोर्ड के जो ओनर है उनके पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तो उनके पास मौका है पैसा लूटने का, तो वो अभी भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए आप, इसके बाद अब क्या? ये मेरे लिए $1 million क्वेश्चन है आज की डेट में रवि। मैं इस सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाह रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं प्राइस को भी लेके थोड़ा सेंसिटिव हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं जितना प्राइस मैंने इस गाड़ी के लिए दिया है उससे अगर 2 लाख रुपए ऊपर भी बढ़ा के कोई गाड़ी देखूँ, 2 लाख क्या मैं 3 लाख तक ऊपर बढ़ा के देखूं, तो भी मुझे इतनी परफॉर्मेंस की गाड़ी नहीं मिल रही है मार्केट में। मैंने मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं उन गाड़ियों को, लाइक मैंने क्या काइगर की टेस्ट ड्राइव ली, मैग्नाइट की ली, सिट्रन की ली, एंड
मुझे ऐसा लगता है, आई मीन नो ऑफेंस टू काइगर, बट मेरा बच्चा जिन खिलौनों से खेलता है उस प्लास्टिक की क्वालिटी तो गाड़ी के अंदर लगी हुई है। ये गाड़ी आपको एंथुजियाज्म देती है, कंफर्ट देती है, और मैं एक बात बताऊं, जो उन्होंने ब्रांडिंग की था ना, फैमिली वाली फीलिंग, दे आर लिविंग अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। वो लिटरली जी रहे हैं उस डीएनए को। फ्यूल एफिशिएंसी क्या ले रहे हैं आप? मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं इस वक्त 18.5 दिखा रहा है, और मेरी डीजल है, कई लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे भाई 18 किलोमीटर डीजल पे तो कम है। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पहली बार शायद गाड़ी खरीदते हो, या फिर पहले 3-4 साल जब आप गाड़ी चलाते हो, हर आदमी कॉस्ट को लेके कॉन्शियस होता है। मैं अभी भी कॉस्ट को कॉन्शियस हूँ, और होना भी चाहिए सबको। लेकिन जब आप एक बार इस इंजन को चलाते हो ना, तो आप बाकी सारी चीजें भूल जाते हो एकदम। सही बात है। क्योंकि जो चीज आपको मिली हुई है ना उस ड्राइविंग सीट पे, आपको लगता है शायद अगर ये आपको 10 का भी माइलेज देती तो भी आप खुश रहते। ये बात ही अलग है, जस्टिफाइड होता है। Absolutely. तो परफॉर्मेंस, स्पेस भी ठीक ठाक, फ्यूल एफिशिएंसी, बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ आपको एक गाड़ी में मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एंड जस्ट बिकॉज आपने बिल्ड क्वालिटी की बात बताई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एज आई सेड कि मैं लॉन्ग ड्राइव करता रहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले के पिछली बार आ रहा था, तो मैं 110 पे था, जो कि मेरा एवरेज मतलब स्पीड रेंज है, उससे ऊपर नहीं जाता हूँ। अच्छा। वैसे तो उस हाईवे पे 100 के ऊपर नहीं चलाना है, बट सर्टेन स्ट्रेच में चलाता हूँ 110, उसके ऊपर नहीं जाता हूँ क्योंकि फैमिली है। एंड मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार मेरे साथ एक यू नो डॉग आ गया सामने। अच्छा। और इस गाड़ी का जो नुकसान हुआ, अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड, जो बंपर के नीचे की ब्लैक वाली क्लैडिंग है वो सिर्फ एक साइड की। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जानने वाले और जो मैंने यूट्यूब पे या दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे देख रखा है, लोगों की ब्रेजा लड़ी है कुत्ते से, ब्रेजा आगे से खत्म हो गई है। बलेनो लड़ी है, बलेनो आगे से खत्म हो गई, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि उसको देख के ये डर आपके जहन में आ जाएगा, यार मैं अपनी फैमिली के साथ चल रहा हूँ, कितना सेफ हूँ। और जब मैंने वो देखा, और अनफॉर्चुनेटली उस कुत्ते की उस वक्त ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और वहाँ इंटरसेप्टर पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें कहा नहीं आप रुकिए मत, आप तुरंत निकल जाइए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टोरी के थ्रू, कि जो आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हो, वो हर चीज में आपको रियलाइज होगी। ये हुंडई से शिफ्ट हुए थे फोर्ड में, और फोर्ड में स्टिक हो गए, और इनको पता नहीं है कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जब ये गाड़ी आपने सेलेक्ट की थी, किन किन गाड़ियों को आपने रिजेक्ट किया था? मेरी बात सुन के शायद बहुत से लोग गुस्सा भी हो जाएंगे। मैं नेक्सॉन ऑलमोस्ट फ्रीज कर ली थी, पेट्रोल या डीजल? मैंने डीजल। हाँ। और क्योंकि मैं ह्यूंडई में काफी लंबे ड्यूरेशन तक पेट्रोल पे था, तो मेरे को एंथुजियाज्म था कि एक बार डीजल ट्राई करना है। एंड ऑब्वियसली उस वक्त थोड़ा मेरे पास एक सर्टेन बजट था जिसमें मैं वो ट्राई करना चाहता था। मेरे पास ऑप्शंस क्या थे, ह्यूंडई की i10 का रिवाइज वर्जन, क्योंकि मैं 5-6 साल से यूज कर रहा था, और मैं नेक्सॉन उस वक्त मार्केट में धूम मचा रखी थी। अनफॉर्चुनेटली नेक्सॉन की सर्विसेज में बड़े चैलेंजेस लोगों को आ रहे थे। लेकिन जब मैंने फ्री स्टाइल का मौका मिला मेरे को, और जिस प्राइस रेंज में, और जो इंजन और जो ओवरऑल पैकेज मिला मेरे को, उस रेंज में कोई कहीं इसके आसपास ही नहीं फटक रहा था। तो अच्छा। मेरे लिए मतलब दिस वाज लाइक अ चोजन वन। अच्छा, आपने नेक्सॉन की तरफ आप जा रहे थे, तो फोर्ड इको स्पोर्ट भी थी वहां पर, तो उसको कंसिडर नहीं? मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद थोड़ा सा ये बात अगेन वो लगे, एंड दिस इज लाइक अपना ऑब्जर्वेशन होता है। मुझे ऐसा लगता था कि इको स्पोर्ट की जो बैक सीट है और फ्री स्टाइल की बैक सीट है, इको स्पोर्ट में थोड़ी सी कम स्पेस है। इनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक थी। ओके। मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं किसी से बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है। इको स्पोर्ट के सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं, इसके काफी सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया। राइड क्वालिटी काफी अच्छी है फ्री स्टाइल की। आप मुझे एक और बात बता रहे हैं, जब कल आपसे बात हुई थी कि आपने जानबूझकर BS4 खरीदा। ओह या, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है रवि। तो जब मैं उस फेज में था, तब इसका BS6 और बहुत सारी कंपनियों के BS6 आ रहे थे, राइट? और इसका BS6 आने वाला था, तो मैं भी एक्साइटेड था एज अ नॉर्मल कस्टमर। जब BS6 लॉन्च हो गया और उसके वेरियंट्स के डिटेल देखे मैंने, तो मैंने रियलाइज किया कि सेम वेरियंट में 50,000 दाम बढ़ गया है, नंबर वन। और दूसरा, उसी वेरिएंट में लगभग 50,000 का सामान इन्होंने निकाल लिया है। शायद टच स्क्रीन निकाल ली थी, अंदर का जो क्रोम था वो निकाल लिया था, फॉग डिफॉगर हटा लिया था, फॉग लैंप्स हटा लिए थे। तो एक तरह से देखूं तो मैं BS6 लेके 1,00,000 के नुकसान में था, फायदे में नहीं, नुकसान में था। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को गुड़गांव में एक BS4 मिली। अच्छा। जैसे ही मिली, मैंने फोन पे डील क्लोज कर दी उसके साथ।
अच्छा। मैंने फोन पे डील क्लोज की, ऑनलाइन फोन पे रहते हुए मैंने उसको पैसे ट्रांसफर किए ताकि वो डील किसी को ना दे। 8.5 के अंदर ही मेरे को उस वक्त मिल गई थी ये। देखो 8.5 लाख में आज की तारीख में आप ऐसी गाड़ी देखने जाएंगे आपको नहीं मिलने वाली। रवि आई एम सॉरी, मैं आपको करेक्ट करूंगा, आप 11 लाख तक जाइए नहीं मिलेगी आपको ये बिल्ड क्वालिटी, ये इंजन, ये कम्फर्ट और ओवरऑल फिट एंड फिनिश एंड ओवरऑल एज अ पैकेज की गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं डलवाना है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिसिंग है, चाहे वो आपके टच स्क्रीन हो, चाहे जितनी भी विम्स एंड फैंसीज, बेल्स एंड विसल्स जो हम कहते हैं, सब कुछ इस गाड़ी में है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसको निकालने का प्लान है या फिर अगर आप इसको सेकेंडरी कार के तौर पर रखेंगे? मैं एज आई सेड कि शायद मैं सोच तो रहा था निकालने का, लेकिन चूंकि मैं इस वक्त मार्केट में देख रहा हूँ और ऑप्शंस, प्रोबेबली पता नहीं, मैं शायद ना निकालूं और इसको एज अ सेकेंडरी कार रखूं अपने पास। इसके क्लोज कौन सी गाड़ी लगी आपके लेने लायक? मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं रवि, तो मुझे थोड़ा बजट एक्सपैंड करना पड़ेगा और एक सेगमेंट ऊपर भी बढ़ना पड़ेगा। ऑल्ट्रोज मैंने चलाई थी, अमंग ऑल जितनी गाड़ियां मैंने चलाई ऑल्ट्रोज चलाई, ऑल्ट्रोज मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने पेट्रोल मैनुअल चलाई थी। ओके, बस एक ही चैलेंज उसमें लगा कि फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी भग नहीं रही थी थोड़ा, बिल्कुल सही बात, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे वो अगेन आपको बहुत कंफर्ट देती है गाड़ी। ओवरऑल एज अ पैकेज फिट एंड फिनिश, कंफर्ट, क्वालिटी, सेफ्टी, उसको देखते हुए ऑल्ट्रोज मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा नजदीक है, बट प्राइसिंग में वो इससे ज्यादा है, जस्ट टू क्लैरिफाई। इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैंने बेस वेरिएंट में नहीं जाना चाहिए था, बट मेरा कंसर्न ये था कि यार 1 लाख रुपए मुझे ज्यादा देना पड़ता उसका, मैं उतना डीजल भरा लूंगा और गाड़ी चला के जो इंजॉय करता चाहता है ना गाड़ी के साथ, उसको फीचर से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं होगा। मतलब मैं ये पूरी तरह नहीं कह सकता रवि कि फीचर्स से मतलब नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंजन का जो यू नो रिफाइनमेंट है वो आपके लिए प्राइमरी चीज है, राइट? एक होता है फंडामेंटल चीज एकदम मिसिंग नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर जो भी है वो आइसिंग ऑन द केक है आपके लिए। चलाने में नो डाउट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ये गाड़ी और काफी पंची इंजन है इसमें। अब दुख इस बात का होता है कि ये जानी नहीं चाहिए थी इंडिया से, सही बात मैं आपको बता रहा हूं। एग्जैक्टली। अब एक और चीज, ऐसा बहुत कम गाड़ियों में होता है, डीजल में तो होता ही है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फील होता है। वो क्या होता है, आप 40 की स्पीड में चल रहे हो, आपने गलती से फिफ्थ लगा दिया, ये आपको खींच के फिफ्थ गियर की डिजायर स्पीड में ले जाएगी। Absolutely, अपने आप। Absolutely. ये चीज एक और चीज बताता हूँ रवि, लाइक जो मेरा एकदम ऑब्जर्वेशन है, आई एम श्योर एवरी फोर्ड वाला बंदा विल टोटली अग्री, इज कि आप अगर हाईवे पे भी चल रहे हो, आप 100 पे चल रहे हो, 110 पे चल रहे हो, बाकी गाड़ियों को फिर उसके बाद फर्दर पुश करते हो, तो वो कराहती हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ है कि आप अगर 100 पे चल रहे हो, 110 पे चल रहे हो, हल्का सा आपने यू नो प्रेशर दिया एक्सेलरेटर पे, बहुत हल्का सा, फिर ये गाड़ी तुरंत रॉकेट हो जाती है। बिल्कुल सही बात, मतलब ये जो एंथुसियाज्म आपको देती है ना, जो जनरेट करती है द बटरफ्लाई इन योर स्टमक ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं, कोई और दे ही नहीं पाता है वो, मतलब इस सेगमेंट और इस प्राइस मनी में। आई एम सेइंग जब आप हाई स्पीड में होंगे 130-140 के आसपास, तब आपको रियलाइज होगा कि छठा गियर इसमें होना चाहिए। जो आपने भी ये बात बोली ना कि 100 की स्पीड में आप पंजा दबाओ तुरंत निकल जाती है, तो उसका रीजन है ये फिफ्थ गियर में 100 की स्पीड में अपने टर्बो के जोन में चल रही होती है, तो ये गाड़ी आप जैसे ही पेडल दबाते हो तुरंत रिस्पॉन्स करती है। ये सभी में है, इको स्पोर्ट में भी है, फोर्ड फिगो में भी है, फोर्ड का पूरा डीएनए ही वही है। इतनी छोटी ये गाड़ी साइज में, ऊपर से 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसमें लो एंड टॉर्क भी अच्छा होता है उसमें ये डाला है, तो आप समझ सकते हो कि कैसी परफॉर्मेंस होगी। कोई भी बंदा निराश नहीं है इस गाड़ी को लेने के बाद। हर बंदे के पास अपनी एक स्टोरी है यू नो फ्री स्टाइल ड्राइव करने की। मतलब जो एंथुजियास्ट नहीं है वो भी एंथुजियास्ट बन जाते हैं। बात ये है, नई गाड़ी लेने का बजट नहीं है, आपको मिल रही है फोर्ड की कोई पुरानी गाड़ी डीजल इस टाइप की, फ्री स्टाइल, फीगो वगैरह, तो उठा लो बेझिझक, सर्विस में भी ज्यादा खर्चा नहीं आता है। देखो आज की तारीख में एक अच्छी गाड़ी चाहिए आपको जिसमें सब कुछ मिले, तो आपको 10 लाख से ऊपर ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, फोर्ड को वापस आना चाहिए क्या? तो, आप फोर्ड की गाड़ी दोबारा खरीदेंगे? आई थिंक आंख बंद करके। नए कस्टमर नहीं मिल पा रहे थे वो अलग बात है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनके पास फोर्ड थी वो काफी लॉयल है फोर्ड के लिए। सीधी सी बात ये है। एक आपकी बात मेरे को और अच्छी लगी कि कुत्ते बिल्ली को भी आप एसयूवी का टैग दे दो तो लोग उसको खरीदेंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, बट सच्चाई ये है ना कि हमारे देश में
बहुत ज्यादा हर्ड मेंटालिटी हो गई है, जिसे कहते हैं भेड़ चाल, राइट। तो आज की डेट में अगर आप देखो तो एक आप हैचबैक को इंजेक्शंस लगा दो, स्टेरॉइड्स दे दो, वो फूल गई, हैचबैक की बात कर रहा हूँ, हाँ वो फूल गई, उसको भी एसयूवी नाम दे दिया, माइक्रो एसयूवी, मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, एक्चुअल एसयूवी, नॉट अ 4x4 एसयूवी। ये तो मजाक हो रहा है ना हमारे इस मार्केट में। एक्चुअल एसयूवी क्या है वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या है लोगों को बस जिसे कहते हैं हिंदी में कि उन्हें घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। सारे मुझे फोर्ड के ओनर तो ऐसे ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं जो परेशान रहते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब गलत करा फोर्ड ने जाके, थोड़ी सी मार्केटिंग पर ध्यान दे दी तो आज सक्सेसफुल होती और इंडिया में अच्छे प्रोडक्ट दे रही होती और जो बाकी ब्रांड्स हैं उनको अच्छा कम्पीट कर रही होती, उनको लेसन दे रही होती, सीधी सी बात ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार आने के लिए, थैंक यू रवि, अपना फीडबैक देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू।